अन्न खाओगे वैसा आपका मन बनेगा। महाभारत में एक रोचक प्रसंग आता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह शेष शय्या पर लेटे हुए थे और पांडवों को उपदेश दे रहे थे कि एकाएक उनकी बात में बीच में ही द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी के इस प्रकार हंसते देखकर भीष्म पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रौपदी से इस तरह हंसने का कारण पूछा। तब द्रौपदी ने सम्मान पूर्वक बोली, पितामह, आपके उपदेश में धर्म का गहरा मर्म छुपा हुआ है और आप बहुत अच्छे धर्म उपदेश दे रहे, किंतु एक पुरानी बात याद आती है तो मुझे हंसी आ जाती है। कौन सी पुरानी बात? जब कौरवों की सभा में दुशासन ने मुझे अपमानित कर रहा था, उस समय आप सभा में थे। उस समय मैंने आपको सहायता के लिए पुकारा था, लेकिन सहायता क्या, आपने मेरे पक्ष में एक शब्द भी ना बोला, जबकि मेरा पक्ष धर्म का था। जब आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय आपका धर्म कहाँ चला गया था? द्रौपदी के तनिक तेज ज्वर स्वर में बोली, बस यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। द्रौपदी की बात को सुनकर भीष्म पितामह गंभीर हो गए। बोले, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, उसी अन्न से मेरा रक्त बनता था। कौरव का दुर्योधन का जैसा कटु कुलिस्ता स्वभाव था, उसका अन्न खाने से मेरे तन मन में उसका प्रभाव पड़ा। अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर में सारा अशुद्ध रक्त बह दिया, अतः मेरा तन मन पूर्णतः शुद्ध हो गया। यही कारण है कि मैं वही कह रहा हूँ जो धर्म के अनुसार उचित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने जीवन में उतारिए, लाइक करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए।